दही के कबाब खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, बनाना उतना ही आसान है। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम दही को रात भर एक मलमल के कपड़े में बांधकर छलनी में डाल के रख दिया था। इससे उसका सारा पानी निकल जाएगा, जैसे हम श्रीखंड के लिए करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें मैंने सेका हुआ बेसन, ग्रेटेड पनीर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक और बाकी सारे मसाले डाले हैं। आप इसमें चाहो तो ड्राई फ्रूट्स और प्याज भी ऐड कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। हाँ, बट इसमें इलायची का पाउडर और सौंफ को कूटकर ये दो चीज़ आप ज़रूर मिलाइएगा। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिलाना है। ये बहुत आसान है, बस जो है ना दही को जो सेट करने में थोड़ी सी मेहनत है, बाकी सब बहुत आसान है। तो आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के कटलेट की शेप दे दीजिएगा। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तो आपको इसको फ्राई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ब्रेड क्रम्स में इन्हें कोट कीजिए और गरम तेल में डालिए। ये लगभग 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप जो ब्रेड क्रम्स है कोशिश कीजिएगा आप इसके अंदर ही मिला दीजिए, क्योंकि ना इससे जो तेल भी ख़राब नहीं होगा और शेप भी बहुत अच्छा फॉर्म होगा। थैंक यू।